कौन बनेगा करोड़पति लगातार सुर्खियों में है और इस सीजन में अब तक 4 ऐसे प्रतिभागी आए हैं जो करोड़पति बने हैं, लेकिन ये सभी प्रतियोगिता बस 1 करोड़ का सवाल ही जीत पाए हैं। अब तक कोई भी ऐसा प्रतियोगी नहीं आया जो 7 करोड़ का सवाल जीत पाया हो। ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से कोई भी प्रतियोगी 7 करोड़ नहीं जीत पाया? वो कौन से सवाल हैं जिनका जवाब कोई नहीं दे पाया? अब तक 4 प्रतियोगी करोड़पति की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, तो अब चलते हैं उन सवालों की ओर जिनका जवाब ये प्रतियोगी नहीं दे पाए। इस सीजन के पहले करोड़पति की बात की जाए तो वो थे बिहार के सरोज राज। 1 करोड़ तक का शानदार गेम खेलकर 7 करोड़ के सवाल पर जाकर सरोज ने गेम से क्विट कर दिया था। सरोज से पूछा गया सवाल था कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन ने किस भारतीय गेंदबाज की बॉल पर 1 रन बनाकर प्रथम श्रेणी का अपना 100वां शतक पूरा किया था। इसका सही जवाब है गोगुमल किशन चंद। सरोज इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे। सीजन की दूसरी करोड़पति अमरावती की बबीता ताड़े बनी थी। बबीता भी 7 करोड़ के सवाल का जवाब नहीं दे पाई थी। बबीता से जो सवाल पूछा गया था वो था, इनमें से किस राज्य ने सबसे ज़्यादा राज्यपाल आगे जाकर भारत के राष्ट्रपति बने? इसका सही जवाब बिहार था। महज 1500 रुपये की सैलरी में स्कूल में काम करने वाली बबीता इस सवाल का जवाब दिए बिना ही अपने साथ 1 करोड़ रुपये जीत कर चली गई। सीजन के तीसरे करोड़पति बिहार के गौतम झा बने। गौतम भी 7 करोड़ के सवाल का जवाब नहीं दे पाए। उनसे पूछा गया सवाल था, डरवन प्रिटोरिया और जोहान्सबर्ग में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में महात्मा गांधी की मदद से स्थापित 3 फुटबॉल क्लब्स का क्या नाम था? जिसका सही जवाब है पैसिव रजिस्टर्ड। इसी तरह अजीत कुमार 1 करोड़ जीत कर KBC 11 के 4थे करोड़पति बने। अजीत से 7 करोड़ के लिए पूछा गया सवाल था कि एक ही दिन में 2 अलग अलग T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 2 अर्धशतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? इसका सही जवाब मोहम्मद शहजाद था। अजीत इस सवाल का जवाब नहीं जानते थे, इसलिए वो करोड़पति तो बने लेकिन 7 करोड़ नहीं जीत पाए। ये वो 4 सवाल हैं जिसकी वजह से KBC 11 को अपने 4 करोड़पति तो मिल गए हैं लेकिन एक भी प्रतियोगी 7 करोड़ नहीं जीत पाया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।